हेलो चिल्ड्रन, लेट्स रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर चैप्टर चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम जो है अमृता नाम की एक लड़की की स्टोरी पढ़ रहे थे, जिसमें जो है उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ठीक है, और ये लड़की जो है राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी, जिसका नाम खेजड़ी है, और उसका नाम जो है खेजड़ी वहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ों के, खेजड़ी नाम के जो पेड़ थे उनकी वजह से पड़ा था। तो आज जो है हम इस खेजड़ी पेड़ के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट द खेजड़ी ट्री। इट इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया, सो इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। तो ये पेड़ जो है रेगिस्तान वाली जगह पे पाया उगता है, और इसलिए इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको बता दें कि रेगिस्तान में जो भी पेड़ पौधे उगते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रेगिस्तान में वैसे ही पानी की कमी होती है। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिंस, तो इसकी जो छाल है वो दवाइयाँ बनाने के काम आती है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स, लोग जो हैं इनके जो फल हैं उनको पकाते हैं और खाते हैं, और इसकी लकड़ी जो होती है बहुत अच्छी होती है, उसमें जल्दी कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, तो जो लकड़ी है वो बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए यूज़ की जाती है, और जो जानवर हैं इसकी पत्तियां खाते हैं, इसका घास खाते हैं, और बच्चे जो हैं इसकी छाया में खेलते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पेड़ जो है बहुत यूज़फुल है। वी प्लांट ट्रीज ऑन द रोड साइड टू डिक्रीज नॉइज़ एंड एयर पोल्यूशन। आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे जो हैं पेड़ उगाए जाते हैं, तो ये पेड़ जो हैं जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है या नॉइज़ होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, उसको कम करने के लिए उगाए जाते हैं। दे प्रोवाइड शेड टू द पासर बाई, और साथ में ये जो पेड़ हैं वहाँ से गुजरने वाले लोगों को भी छाया देते हैं। ट्रीज़ गिव आउट ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसको जो है ट्रीज़ एब्जॉर्ब करते हैं और हमें वो ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। तो और आपको पता है कि जो भी जीवित, जो भी ऑर्गेनिज़म्स हैं सभी, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, हमें पेड़ों से मिलती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्प टू ग्रो ट्रीज़ इन पब्लिक प्लेसेस एंड रोड एंड ऑन रोड साइड्स, तो जो सरकार है वो भी लोगों को हेल्प करती है, सहायता करती है पब्लिक प्लेसेस पे पेड़ उगाने के लिए, या सड़क के किनारे कहीं पे पेड़ उगाने हैं तो वो सरकार भी जो है लोगों की हेल्प करती है। ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रो बाय देमसेल्व्स, ललिता सॉ देम ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल। तो आपने देखा होगा कि जैसे कहीं पे दीवार में ज़रा सा क्रैक आ जाता है, तो वहाँ से जो है कोई घास अपने आप उगने लग जाती है, या कोई पेड़ जो है अपने आप उगने लग जाता है। तो मोस्टली जो है पीपल जो पेड़ है वो इन क्रैक्स में जो है जल्दी उग जाता है। नोबडी हैव प्लांटेड देम, उनको जो है वहाँ पे कोई भी नहीं उगाता है। लाइक अमृता यू कैन आल्सो चूज वन ट्री इन योर हाउस और स्कूल एंड मेक इट योर फ्रेंड। तो अमृता की तरह आप लोग भी जो है एक कोई भी पेड़ जो है उसको चूज़ कर सकते हैं और उसको अपना दोस्त बना सकते हैं, या बोलने का मतलब है कि आप उसकी देखभाल करेंगे। ठीक है, उसको पानी देंगे समय समय पे, उसकी देखभाल करनी है या उसको काटने से बचाना है। ठीक है, एज आई हैव चूजन मैंगो ट्री इन माई स्कूल, तो जिस तरह से ये जो स्टोरी बता रहे हैं तो ये बोलते हैं कि जिस तरह से मैंने अपने स्कूल में जो आम का पेड़ है उसको चूज़ किया है। द मैंगो ट्री इन नॉर्थर्न इंडिया प्रोड्यूस फ्लावर्स इन मार्च, तो उत्तर भारत में जो है आम के पेड़ में जो फूल हैं वो मार्च में लगते हैं। दे बियर फ्रूट इन द एंड ऑफ मे टिल जून, और इनमें जो है फल मई के लास्ट महीने में और जून के स्टार्टिंग तक लग जाते हैं। तो आजकल आप देखते होंगे आम के पेड़ में, आपके आसपास आम का पेड़ होगा ही, तो आप देखते ही होंगे कि उनमें जो है फल लग गए हैं।
दिस ट्री इज एवरग्रीन, और साथ में ये जो ट्री है ये एवरग्रीन है, एवरग्रीन मतलब सदाबहार है, ठीक है, 12 महीने पूरा साल जो है हरा भरा रहता है। कंटिन्यूसली ओल्ड लीव्स फॉल एंड न्यू लीव्स अपीयर, तो लगातार जो है जो पुराने पत्ते होते हैं वो गिरते रहते हैं और उनकी जगह पे जो है नए पत्ते आते रहते हैं। मैंगो फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज, और जो इनके फल है मैंगो मतलब आम का जो फल है वो पेड़ में लगता है। दीज फ्रूट्स आर वेरी टेस्टी, आप लोगों ने आम खाया होगा तो आपको पता है कि बहुत टेस्टी होता है और बहुत रसीला होता है। यहाँ पे पिक्चर में आप मैंगो का फ्लावर भी देख सकते हैं कि जो फूल लगते हैं तो वो कैसा होता है, और मैंगो ट्री देख रहे हैं जिसमें मैंगोज लगे हैं। पीपल आर पनिश्ड फॉर हंटिंग ऑफ एंडेंजर स्पीसीज, तो जो लोगों को जो है अगर वो जानवरों का शिकार करते हैं ऐसे जानवरों का जिनकी प्रजाति जो है लुप्त हो रही है, मतलब धीरे धीरे जो है वो कम होते जा रहे हैं, तो उनको जो है पनिशमेंट दी जाती है, सजा दी जाती है। दे हंट एनिमल्स फॉर इंजॉयमेंट एंड अर्न मनी, तो कुछ लोग जो हैं एनिमल्स को जानवरों का शिकार जो है अपने इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, आनंद मिलता है उनको उस चीज़ से, और साथ में या तो पैसा कमाने के लिए करते हैं, ठीक है, जो इनकी छाल को वो बेचेंगे या इनके दांत बेचेंगे, मतलब इनका कोई भी जो बॉडी पार्ट है उसको बेच के जो है वो पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि 3 आदमी हैं जिन्होंने चीते को पकड़ रखा है और मतलब वो फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो मतलब इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं ये सब चीज़ें, या हाथी को मार के उसके ऊपर बैठे हैं, ठीक है, तो फिर इसके जो है इनके बॉडी पार्ट्स को बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। तो किसी को अपने इंजॉयमेंट के लिए मारना या उससे पैसा कमाना अच्छी बात नहीं है ना, मतलब ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से हम जीव हैं, हमारे अंदर जान है, तो इन इनमें भी जान होती है, ठीक है, इनको भी दर्द होता है जब हम इनको मारेंगे, ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किसी को अपने फायदे के लिए नहीं मारना चाहिए किसी भी जानवर को। यू माइट हैव सीन ऑन टीवी दैट लीगल एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट सलमान खान फॉर हंटिंग ब्लैक बक, तो ये कहानी जो है आप जब बड़े होंगे तो आप शायद अभी तक आप लोगों ने ना सुनी हो, ठीक है, और जिन्होंने सुनी है तो अच्छी बात है, उनको पता है, बट जो सलमान खान एक्टर है उन्होंने इनकी एक कोई फिल्म थी उसकी शूटिंग के दौरान जो है उन्होंने अपने इंजॉयमेंट के लिए उन्होंने क्या किया था, काले हिरण का शिकार किया था, ठीक है, तो इसके लिए जो है उनके ऊपर भी लीगल एक्शन लिया गया था, सरकार ने उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया, हालांकि वो एक्टर हैं, बट एक्टर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी हार्म कर सकते हैं, ओके। तो बोलने का मतलब है कि हमें जो है इन जानवरों को जो नहीं बोल सकते हैं बेचारे, उनके उनके साथ मतलब ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने फायदे के लिए नहीं मानना चाहिए, ओके, थैंक यू।